हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कैसे चालू करते हैं और कहाँ पे वो ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को मान लीजिए फ़ोन लगाते हो तो सबसे पहले हम लोग चेक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, रिकॉर्ड का एक ऑप्शन है तो ये चालू नहीं है। ठीक है, अगर इसको हम लोग मतलब जैसे कि गाइज अगर हम लोग चाहें तो अगर ऑटो कॉल रिकॉर्ड चालू कर दें तो कॉल लगाते ही वो रिकॉर्डिंग लग जाती है अपने आप। ठीक है, यहाँ से क्लिक नहीं करना पड़ता है, कॉल आए या फिर किसी का कॉल आए या फिर आप लगाते हो तो ऑटो कॉल रिकॉर्ड ऑन हो जाता है। तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑटो कॉल रिकॉर्ड कैसे चालू किया जाता है अपने फ़ोन से। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आप आ जाइए, उसके बाद एक सेटिंग होगा फ़ोन का। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद गाइस फोन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड सेटिंग्स का। ठीक है, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा होगा रिकॉर्ड कॉल कॉल ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर गाइस जब पहले पे आप करते हैं तो डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली कॉल, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं होगा ऑटोमेटिक कॉल। और अगर आप दूसरे को सिलेक्ट करके छोड़ देते हैं तो गाइस आपका जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कस्टम पे करते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करने को देगा कि मतलब आप जो कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करके रखेंगे इसमें सेंड करके, बस उसी फोन का जो फोन आएगा बस उसी का कॉल रिकॉर्ड होगा। लेकिन गाइज मेरा तो यही मतलब एडवाइस है कि आप दूसरे पे रखिए सिलेक्ट करके रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, और यहाँ से आपको बहुत ही बेटर है। और मतलब किसी का भी कॉल आए और जाए तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो सकता है। चलिए हम लोग चेक करते हैं वीडियो में। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यार जो है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो जाता है। तो आज की वीडियो में गाइज बस इतना ही।